दोस्तों, आज मैं आपको अबनेर की बावड़ी ले चलूँगा, जो कि जयपुर से 96 किलोमीटर दूर है। वह जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 पर स्थित दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर कुछ ही दूर किलोमीटर की दूरी पर अबनेरी गांव में है। यह इसका मुख्य द्वार है। यहाँ टिकट घर है और टिकट घर से टिकट लेने के पश्चात हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े और ये सुंदर नज़ारा देखने को मिला। जयपुर से यहाँ पहुँचने में मुझे अपनी गाड़ी से लगभग 2 घंटे का समय लगा और देश की राजधानी दिल्ली से इसकी दूरी 240 किलोमीटर है और यहाँ पर अलवर के रास्ते 5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। बावड़ी में प्रवेश दरबार के बाद इस तरह का विहंगम दृश्य देखने को मिला। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा महीर भोज, जिन्हें कि चांद नाम से भी जाना जाता है, ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी भी है। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक 3,500 से ज़्यादा पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों से बावड़ी के पानी को भरा जा सकता था, चाहे पानी का स्तर कम क्यों ना हो। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है। बावड़ी का यह मुख्य महल है, जो कि उत्तर की ओर स्थित है। बावड़ी की सबसे निचली मंजिल पर बने 2 तहखानों में स्थित गणेश एवं महिषासुर मंदिर की भव्य प्रतिमाएं हैं। इस बावड़ी में एक सुरंग भी है, जिसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है, जो पास ही स्थित गांव मांडारोज में निकलती है। कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा एवं उनके सैनिक द्वारा इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं, यह वह महल है। उत्तर दिशा में बना महल बावड़ी के अंदर बना है, जो कि शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस स्थान को कई फिल्मों में दिखाया गया है। भूल भुलैया फिल्म का गाना इस बावड़ी और महल में फिल्माया गया था। बावड़ी वाटर हार्वेस्टिंग का खूबसूरत नमूना है। यह धरोहर देश की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी में शुमार है। दोस्तों, इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। कथा प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रणसी गांव की ओर अपने सेवकों के साथ वहां के प्रसिद्ध मेला गणगौर को देखने निकले। राह में सेवकों के घोड़े काफी आगे निकल गए और ठाकुर जय सिंह पीछे छूट गए। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था, उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह ने अपने घोड़ों को रोका और नीचे उतरकर घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के पास पहुँचे। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। घोड़ा पानी पीने के लिए जो ही आगे बढ़ा, जयसिंह को तालाब के किनारे एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति तुरंत ही आदमी के रूप में बदल गई। ठाकुर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, मैं भूत हूँ, किसी सांप के कारण इस तालाब को छू नहीं सकता। मुझे भी जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाइए। ठाकुर जय सिंह ने निर्भीकता पूर्व उस आत्मा को पानी पिला दिया। निर्भीकता एवं दयालुता को देखकर भूत ने उनकी अधीनता स्वीकारते हुए कहा,
आप जो भी आदेश देंगे उसे मैं पूरा करूंगा। ठाकुर जयसिंह ने कहा, मेरे लिए एक गढ़, महल तथा पानी की बावड़ी के साथ साथ एक सुंदर सा शहर तुम्हें बनाना होगा। भूत ने कहा, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, किंतु मैं यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करूंगा। आप दिन भर जो भी निर्माण कराएंगे वह रात में 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा, किंतु आप इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। जिस दिन भी यह भेद खुल जाएगा उस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। 1600 ईस्वी में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अगले ही दिन से महल व बावड़ी भूत बावड़ी की इमारतें बनाने लगे। पूरे गांव में कोताहुल छा गया। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ता रहा। एक दिन जब जयसिंह की पत्नी ने महल व बावड़ी के विस्तार का रहस्य पूछा तो ठाकुर ने उन्हें भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर रानी रूठ गई और अनशन शुरू कर दिया। कई दिनों तक अनशन करने के कारण रानी की दशा बिगड़ने लगी। रानी को मरणासन देखकर ठाकुर ने उसे सारा रहस्य बता दिया। ठाकुर के ऐसा बताते ही उसी रात से सारा निर्माण कार्य रुक गया। इस कारण इस बावड़ी को भूतों की बावड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बावड़ी के पास स्थित है हर्षद माता का मंदिर। और आप जो यह शिलाखंड देख रहे हैं, बताया जाता है कि 1021-1026 के काल में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ा और सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया। खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर तथा चांद बावड़ी के सुरक्षित रखी गई हैं। जयपुर के राजा ने 18वीं शताब्दी में इसका कायाकल्प करवाया था। प्राचीन काल में किस तरह इन मूर्तियों को पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है आप देख सकते हैं। इनकी कलाकारियाँ, ये खंडित मूर्तियाँ प्राचीन काल की शिल्पकला को दर्शाती हैं। हर्षद माता के मंदिर के लिए मैंने इस वीडियो का भाग 2 बनाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें।
ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।